बेरोजगार रहने से अच्छा है, भूखे पेट रहने से अच्छा है मर जाए क्या? बेरोजगार रह के तो नहीं जी सकते हैं। विधायक जीतता है 5 साल, हाँ। 5 साल के लिए विधायक जीतता है, उसके बाद जीवन भर उसको पेंशन मिलता है, हाँ। लेकिन साला एक आर्मी रिटायर होगा उसको पेंशन नहीं मिलेगी। अगर सरकार वापस नहीं लेगी तो हम लोग मजबूरी में आतंकवादी बन जाएंगे। जिसमें 5 साल एनसीसी जी लड़का बताया ना, 5 साल एनसीसी का तैयारी किया, उसके बाद बताइए एनसीसी कम्प्लीट है? मैं सी सर्टिफिकेट हूँ। किसान के बेटे हैं, हाँ। देश के सेवा करने नेता के बेटे नहीं जाते हैं, हाँ। हम लोग देश पे मार मिटने के लिए तैयार है। अभी हमारे पीछे आप जितने भी जो स्टूडेंट को देख रहे हैं, तमाम जो स्टूडेंट है आर्मी की तैयारी करते हैं, और एक तो आर्मी की जो वैकेंसी है वो लेट से आई है, लेकिन इसके बाद सरकार के द्वारा जो नया स्कीम आया है अग्निपथ योजना, इसके खिलाफ तमाम जो स्टूडेंट है आर्मी को गुस्से में है, नाराजगी आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम बिहार के मोतिहारी में है, जहां पर तमाम हजारों की संख्या में जो स्टूडेंट पहुंचे हैं रेलवे स्टेशन को पूरी तरीके से जाम कर दिए हुए हैं। ये गुस्से में है इसलिए क्योंकि 4 साल तक ही इनको नौकरी देने की बात की गई है जो नया स्कीम आया है इसके द्वारा। आप लोग गुस्से में क्यों हैं? देखिए सर, पहले तो लड़का सर फिजिकल भी हो गया, उसके बाद मेडिकल भी फिट हो गया, रिटर्न रद्द कर दिया गया, अच्छा। और उसके बाद 4 साल का जॉब 5 साल एनसीसी करने में लगता है, हाँ। और 4 साल का जॉब कर माने जॉब होगा उसके बाद रिटायर हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए आर्मी की तैयारी कब से करते हैं? आर्मी की तैयारी हम लोग 2015 से करते हैं, हाँ। 22 आ गया, अभी तक नौकरी नहीं मिली। हम एनसीसी फाइनल है, 5 साल एनसीसी करने में लगा मैं। सरकार से यही निवेदन है, सरकार से यही निवेदन है कि टीओडी वापस ले, हम लोग 2 साल का छूट, 2 साल का उम्र। भीषण गर्मी के बीच आप देख सकते हैं कि तमाम स्टूडेंट लोग आए, गर्मी भी आप बताइए, इतना बड़ा देश में महामारी है, कहीं चुनाव रुका था? कहीं चुनाव रुका है? नहीं रुका था। और जब चुनाव नहीं रुक सकता है तो वैकेंसी क्यों रुक सकता है, हाँ। बताइए, सरकार कहीं ना कहीं अपना चुनाव नहीं रुक सकती है, और एक विधायक जीतता है 5 साल, हाँ। 5 साल के लिए विधायक जीतता है, उसके बाद जीवन भर उसको पेंशन मिलता है, हाँ। लेकिन साला एक आर्मी रिटायर होगा उसको पेंशन नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं देश के युवाओं को बर्बाद किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर नेता मंत्री लोग 10-15 साल के लिए सत्ता में रह सकते हैं, लेकिन जॉब करने के लिए 4 साल। बताइए कहाँ का नियम है, कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का नियम है? बताइए जो साला अपने जो अपने परिवार देश में जो युवा हैं आर्मी के लिए आगे नहीं आते हैं, यहाँ अगर हजारों की संख्या में युवा चाहते हैं कि हम आर्मी बने, क्योंकि ये गरीब परिवार के रहते हैं, नेता मंत्री के बेटे नहीं है, बस इसी यही कारण है, यही कारण है कि वो नेता मंत्री के बेटा नहीं, यही दोष है। अगर वो नेता मंत्री के बेटा रहते तो आर्मी नहीं बनते, वो भी एसी का रूम में सोते, वो भी आराम से कहीं ना कहीं साला घुस देकर अपना जो कोई जॉब करते हैं, वो भी पॉलिटिक्स करते हैं। यहाँ तो मजबूर है, किसान का बेटा है, बाप अपना पेट काट कर उसको पढ़ने के लिए भेज रहा है, वो आर्मी का तैयारी कर रहा है, और पता चले जब आर्मी का तैयारी करे दौड़ हो जाए, मेडिकल हो जाए, एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाए, और कहीं ना कहीं उस गार्जियन के ऊपर क्या बीतेगा, उस बच्चा के ऊपर क्या बीतेगा? आज 24 घंटे में 48 आत्महत्या किया गया है, 24 घंटे में, 24 घंटे में 48 आत्महत्या। हम लोग भी फांसी देने के लिए तैयार है, देख सकते हैं कि तमाम जो स्टूडेंट है काफी ज्यादा नाराज है। और क्या बोले, 24 घंटे में 48 आत्महत्या किया गया उस परिवार के ऊपर, बताइए। जब एक बच्चा जब घर में पैदा लेता है तो उसके वहाँ से लेकर उसके परवरिश जहाँ तक वो जॉब तक जाता है, उस परवरिश में कितना मेहनत लगता है घर चलकर। आप आर्मी की तैयारी कब से कर रहे हैं? 2015 से, और 22 आ गया, अभी तक नहीं हुआ। और जिसमें 5 साल एनसीसी जी लड़का बताया ना, 5 साल एनसीसी का तैयारी किया, उसके बाद बताइए एनसीसी कम्प्लीट है? मैं सी सर्टिफिकेट हूँ। इसके बाद भी नौकरी नहीं, इसके बाद भी नौकरी, मेडिकल फिट है। अब मोदी जी बोलते हैं पकौड़ा तलिए और चाय बेचिए, क्या आप लोग को लगता है कि पकौड़ा तोलने कहीं कोई साजिश है? एकदम साजिश है, तलवा कहीं छोड़ेंगे? इस सरकार का एक ही साजिश है, मानसिक रूप से सरकार का यही है। स्टूडेंटों के आंखों में आंसू है, क्योंकि भैया ये सुबह में 4 बजे जगते हैं और पूरे दिन रात तैयारी करते हैं ताकि देश की सेवा करें, लेकिन समझिए कि जब नया कानून आता है, स्कीम आता है, अगर उसमें भी 4 साल तक ही नौकरी देने की बात किया जाए तो नाराजगी तो दिखेगी। पहले 23 साल था, अब 21 साल कर दिया गया, अब 21 साल कर दिया। ऑफिसर यहाँ पर आए हुए, ये देख सकते हैं कि इन युवाओं को पीटने के लिए यहाँ पर तमाम फोर्स को लगा दिया गया है। अब बताइए, जब एक एप्लीकेशन थाना में लिखवाने जाता है, वही सारे स्टूडेंट के कई गार्जियन लपड़ा होता है, एप्लीकेशन लिखवा देता है, उनसे मुंह मांगा, रुपये का वसूली
किया जाता है, वही प्रशासन वही सरकार है, वही 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 यही सुशासन बाबू का सरकार है। देखिए सुशासन बाबू के सरकार में कितना बेरोजगार युवा, अगर युवा अपने हक के लिए प्रोटेस्ट करेंगे तो उन पर लाठीचार्ज किया जाएगा, उन पे FIR किया जाएगा, उनको जेल में भर्ती कर दिया जाएगा, उनको देशद्रोह ठहराया जाएगा। यही सरकार का इंसाफ है। फिलहाल ये जो नया स्कीम आतंकवादी बनेंगे, फिलहाल ये जो नया स्कीम आया है इसके खिलाफ में तमाम जो देश भर से युवा हैं, इसके अलावा बिहार के अनेकों जिले में प्रोटेस्ट हो रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि इस वक्त हम मोतिहारी के रेलवे स्टेशन के पास है, जहाँ पर हजारों की संख्या में आप लोग आर्मी की तैयारी करते हैं जी। तो क्या लगता है सरकार वापस लेगी? जरूर लेगी, अगर सब कोई जरूर लेगी, कहाँ नहीं लेगी, नहीं लेगी तो हम लोग खुद आतंकवादी बनेंगे, खुद वापस नहीं लेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगर सरकार वापस नहीं लेगी तो हम लोग मजबूरी में आतंकवादी बन जाएंगे, एक चीज मेरा सवाल है, ये बताइए कि एक आर्मी के स्टूडेंट के लाइफ में कितना परेशानी होता है? बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक अपना ये करना पड़ता है। हम लोग पढ़ाई लिखाई छोड़कर परेशानी पूछना है तो किसान के बच्चे से परेशान पूछिए, हम लोग का परेशानी सरकार नहीं सुनती है। देखिए एक बात, सरकार को TOD वापस लेना पड़ेगा और एग्जाम को दोबारा से लेना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग तब तक अड़े रहेंगे तब तक सरकार हम लोग की मांग को नहीं सुनती है। और एक बात, सरकार सेना में भी घोटाला करने लगी है, ना हम लोग नहीं मानेंगे, हम लोग आत्महत्या करने पर उतारू हो गए हैं। सरकार को हमारी मांग सुनना पड़ेगा, नहीं तो हम यहीं पे तब तक अड़े रहेंगे जब तक हमारी जान नहीं जाती है, जान में जान है। सुबह उनका भी चुनाव साल भर का होना चाहिए, उनका भी पेंशन बंद होना चाहिए, उनका भी पेंशन बंद होना चाहिए, हम लोग किसान भी होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट जो है एक साल पे चुनाव, एक साल हर साल पर चुनाव होना चाहिए, उनको बड़ी जानकारी है। हम लोग किसान के बेटे हैं, देश के सेवा करने नेता के बेटे नहीं जाते हैं, हम लोग देश पे मर मिटने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार हमारी नहीं सुनती है। ये कहीं ना कहीं अमीर के जो बेटे हैं, नेता मंत्री के जो बेटे हैं, वो आर्मी बनना नहीं चाहते हैं। ये तमाम जो आप लड़के को देख रहे हैं सभी आर्मी बनने के लिए गरीब घर के बेटे हैं, गरीब घर के बेटे हैं। हम लोग खाने के घर खाने के लिए घर में नहीं है, देश सेवा करने के लिए हम मर मिटने के लिए। आंख में आंसू भी दिख रहा है। अरे एकदम दिखेगा सर, हमारी दर्द को कौन सुन रहा है? कोई नहीं सुन रहा है। सरकार को सुनना पड़ेगा, नहीं तो हम आत्महत्या करेंगे, इसकी जिम्मेवार सरकार होगी। हमें बंदूक मिले तो हम बंदूक लेकर क्या करेंगे? आम आदमी को गोली मारेंगे, जिम्मेवार होगी, हम आत्महत्या करेंगे। और देखिए ऐसा 24 घंटे में लगभग 100 स्टूडेंट आत्महत्या किया है जिनका एग्जाम ऐसा ऐसा मत एसी में जो रहेगा उसका देखिए रहेगा, और बॉर्डर पर गोली मार। बेरोजगार रहने से अच्छा है, भूखे पेट रहने से अच्छा है मर जाए क्या? बेरोजगार रह के तो नहीं जी सकते हैं ना। पेट पालने वाला एक आर्मी का तैयारी करने वाला दर्द आर्मी। हाल आप देख सकते हैं कि कड़ी धूप के बाद ये लोग पसीनों के बीच में रोड पर निकले हुए हैं, अपने हक के लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार के द्वारा जो नया कानून लाया गया है उसमें 4 साल तक ही नौकरी देने का वादा किया गया है, ऐसे में तमाम जो स्टूडेंट है वो गुस्से में अब देख सकते हैं नाराजगी साफ तौर पर है। फिलहाल इस वीडियो में तमाम हमारे साथ बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।